हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड में। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल अरहर दाल फ्राई बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने 150 ग्राम अरहर की दाल ली है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके लिए मैंने मसाले लिए हैं, जिसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्चा पाउडर। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे अरहर दाल फ्राई बनानी है। सबसे पहले अपने गैस को ऑन करते हैं। इसमें कुकर चढ़ाते हैं, मीडियम फ्लेम पर कुकर को चढ़ाया है। फिर इसमें वॉश की हुई अरहर की दाल डाल दीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको पानी डालना होगा। इसमें मैंने 2.5 कटोरी पानी डाला है, इस कटोरी के नाप से। अब ये जो मैंने पिसे मसाले लिए थे, ये आप इसमें डाल दीजिए। अब इसमें आप कुकर को बंद कर दीजिए और इसमें मीडियम आंच पे ही 3 से 4 सीटी लगने का वेट कर दीजिए। जब हमारी दाल बॉयल अच्छे से हो जाएगी, फिर हम तड़के की तैयारी करेंगे, कैसे हमें आगे तड़का लगाना है। फ्रेंड्स, जो मैंने अरहर की दाल ली थी, उसको 4 सीटी कुकर में लगा के अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। सबसे पहले गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले इसमें जीरा डालेंगे, 1 चुटकी जीरा डालेंगे अच्छे से। जीरा अच्छे से हो जाए, फिर 1 पिंच हींग डालेंगे। आग को आपको मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। फिर इसमें 4 से 5 कली लहसुन लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसे अच्छे से ब्राउन करेंगे। अब हम प्याज डालेंगे, 1 प्याज लिया है, जिसको अच्छे से छोटा छोटा काट लिया है। प्याज, अब प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम 1 हरी मिर्ची डालेंगे और ये मैंने 2 टमाटर काटे थे छोटे छोटे, उसको आप डालेंगे। अब टमाटर को अच्छे से भून लीजिए। देखिए हमारे टमाटर मसाले में अच्छी तरीके से हो रहे हैं। अभी इसमें थोड़ी सी और कसर है, ये अच्छे से गल जाए फिर हम इसमें दाल डालते हैं। अब देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसमें जो हमारी बॉयल दाल थी वो डालेंगे। फिर अच्छे से इसको चला लेंगे। देखिए हमारी अरहर दाल फ्राई कितनी अच्छी लग रही है, कितना अच्छा कलर आ रहा है।
अब इसमें आप धनिया पत्ती अच्छे से डालेंगे। पाँच मिनट के लिए आप अपनी दाल को ढाँक के रख दीजिए, फिर उसके बाद इसको सर्व करते हैं। अब देखिए हमारी दाल सर्व करने के लिए एकदम तैयार हो गई है। गैस को बंद करते हैं और दाल को सर्व करते हैं। देखिए हमारी अरहर दाल फ्राई तैयार है। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ बड़े चाव से खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।